आज मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जंगल के शेर बनना चाहते हो या सर्कस के? आप अपने जीवन में किस तरह से रहना चाहते हो? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह से रहना चाहिए। ये कहानी है दो शेरों की। इस दुनिया में दो तरह के शेर होते हैं। पहला वो जो सर्कस में रहता है और मस्त आराम से अपना जीवन जीता है, जिसको ना खाने की टेंशन है ना पीने की। उसे 3 टाइम का खाना मिलता है, मस्त गोश्त मिलता है, वो खाता है, पीता है और सो जाता है। उसे बस पिंजरे में कैद होके रहना पड़ता है, बस अपने मालिक के कहने पर रस्सी पर चलना, आग में कूदना और अपने मालिक की गुलामी करना होता है। उसे किसी तरह की वातावरण की कोई टेंशन नहीं है, मस्त अपनी मस्ती में जी रहा है। वहीं जो दूसरा जंगल का शेर है, उसको बहुत टेंशन है, खाने का, पीने का, बरसात का। उसको ये भी नहीं पता कि उसको कल खाना मिलेगा कि नहीं। उसे 3 टाइम का तो छोड़ दो, 1 टाइम का भी खाना मिल गया तो वो खुश नसीब समझेगा अपने आप को। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये मौका मिले तो आप कौन सा शेर बनना पसंद करोगे, जंगल का या सर्कस का? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इस दुनिया में 90% लोग तो सर्कस के शेर हैं, क्योंकि आराम से सब कुछ मिल रहा है, अपने कंफर्ट जोन में है। लेकिन सर्कस के शेर की प्रॉब्लम यह है कि वो जो चाबुक मारने वाला है, उसे उसके हिसाब से चलना पड़ता है। वो बोलता है तो उठना पड़ता है, वो बोलता है तो बैठना पड़ता है, वो कहता है तो आग में कूदना पड़ता है और उसकी हर बात मानना पड़ता है। कभी कभी तो जब वह पिंजड़े में बंद रहता है तो बच्चे उस शेर की पूंछ पकड़कर खींचकर भाग जाते हैं। लेकिन अगर वह शेर पिंजड़े के बाहर होता तो कोई ऐसा कर पाता? नहीं कर पाता। क्या शेर किसी की गुलामी करने के लिए इस दुनिया में आया है? क्या ये उस शेर को शोभा देता है? नहीं देता है। इस दुनिया में काफ़ी लोग यही कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में जॉब कर रहे हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं जॉब की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हम जॉब से अपने जीवन में अपने बिलों का भुगतान तो कर सकते हैं, मगर अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। जॉब हमें लाइफ तो दे सकती है, पर एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं दे सकती। जॉब में लाइफ कंफर्टेबल है, कोई टेंशन नहीं है। हमें पता है कि महीने की आखिरी तारीख को हमारे मोबाइल में एक मैसेज आएगा और कुछ अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी का साल का टर्नओवर बढ़े कि ना बढ़े, अपने को टेंशन नहीं। हमको हमारा पगार महीने के अंत तक मिल जाएगा, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं। लेकिन वहीं अगर जॉब के बदले बिजनेस किया जाए तो बहुत टेंशन है। काम होगा या नहीं होगा हमको नहीं पता, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको पूछूं कि आप कौन सा शेर बनना चाहोगे तो आप सब जंगल का ही कहोगे। मगर मेरे प्यारे बच्चों, आपको जंगल का शेर बनने के लिए बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा जो सब करते हैं। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर काम करना पड़ेगा। मेरे बच्चों, पिंजरा सोने का हो या लोहे का, पिंजरा पिंजरा ही होता है, आदमी उसमें कैद हो जाता है। अगर शेर जंगल में रहता है तो उसे बहुत ही तकलीफ होती है, कभी खाने को मिलता है कभी नहीं मिलता, पर वह अपनी मर्जी का मालिक होता है और जंगल के सारे लोग उससे डरते हैं। वह जंगल में एक राजा की तरह जिंदगी जीता है और सब पर राज करता है। क्या सर्कस में रहने वाला शेर कोई जिंदगी जी रहा है? अरे वो तो गुलामी कर रहा है। सर्कस में रहने की बजाय जंगल में रहता, भले ही तकलीफ होती, 1 टाइम खाने को नहीं मिलता, मगर अपनी मर्जी से जीता और जंगल पर राज करके राजा की तरह जीता। मगर अब हम अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो गए हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया है। अगर हमारी कमाई 100 रुपया है तो हमारा खर्चा 150 रुपया है, तो हम क्या करते हैं? अपना खर्चा कम कर देते हैं, क्योंकि अगर खर्चा बढ़ाएंगे तो कमाई कम पड़ जाएगी और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, शरीर को तकलीफ होगी। तो हम क्या करते हैं? अपना खर्चा ही कम कर देते हैं और आराम से कंफर्टेबल जोन में लाइफ जीते हैं और कहते हैं भाई अपनी तो लाइफ सेट है, क्योंकि कमाई बराबर खर्चा और नो टेंशन। लेकिन मैं कहती हूँ कि अपने को खर्चे की टेंशन छोड़कर कमाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब कमाई बढ़ेगी तो खर्चा अपने आप कम हो जाएगा।
लेकिन उसके लिए ज़्यादा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तकलीफ होगी मेरे बच्चों, एक बार सर्कस के शेर की लाइफ छोड़कर जंगल के शेर बनने की कोशिश कीजिए। आपको ज़िंदगी में भले थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी लाइफ से खर्चा बचाने का टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी लाइफ के वो सारे सपने पूरे कर पाओगे जो आप जिंदगी भर सर्कस के शेर बनकर नहीं कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब तक अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर थोड़ा ज़्यादा काम नहीं करोगे, तब तक आप सर्कस के शेर बनकर रह जाओगे और पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे के इशारों पर चलते रहोगे। एक बार जंगल का शेर बनने की कोशिश करके देखिए। एक दिन आप राजा की तरह राज करोगे और ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते हुए अपने परिवार की हर ख्वाहिश को पूरा करोगे। धन्यवाद।